अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश टूल। हम एक कोई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर है, इसके फेस पे पिंपल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ख़त्म करने हैं तो उसके लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं, स्पॉट हीलिंग, ठीक है। यहाँ जहाँ पे पिंपल है, कुछ एक्सरसाइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें पिंपल ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ से पिंपल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको, इस पिक्चर को स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ कैसे करेंगे, इसकी डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल प्लस जे से, फिर यहाँ कंट्रोल प्लस आई करेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्लस आई, ये इस तरह पिक्चर हो जाएगी। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे विविड लाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। फिल्टर में जाना है, यहाँ से अदर में हाई पास, ये मैंने 2.4 पे इतना रखना है कि ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए फेस से। यहाँ जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ब्लर हो जाएगी। स्मूथ तो हो रही है लेकिन वो पीछे से बैकग्राउंड भी लेके आ रही है, ठीक है। तो 4.4 रख दिया मैंने, लेकिन यहाँ से ये देखिए अभी ख़राब हो रही है। इतनी रखनी है जहाँ पे ये बिल्कुल सेट आए, ख़राब ना हो। 2 पे रखता हूँ ये। फिर इसके बाद जाना है हमने ब्लर पे, यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, क्लिक करें, ये हो गया। जैसे जैसे इधर जाएंगे ये पिक्चर ओरिजिनल हालत में आएगी, ठीक है। जैसे जैसे इधर करेंगे तो ब्लर अप्लाई होगा। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे बिल्कुल सही लग रही है, ओके कर देते हैं। यहाँ से हमने ऑल्ट प्रेस करके ये मास्क इस पर करना है, मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा ब्लैक बॉक्स, ठीक है। मास्क लग गया इस लेयर पे। फिर हमने लेना है ब्रश टूल, मेरा ब्रश टूल लिया। यहाँ से हम साइज़ यही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करता जाऊँगा, ये स्किन सॉफ्ट हो रही है उसकी, ये देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ ये अप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, आईज पे मैंने नहीं मारा वरना वो ब्लर हो गया। ये देखिए मैंने क्लिक किया ना कंट्रोल से बैक जाते हैं, आईज पे नहीं करना, आईज की गेज लगानी है। ये हो गया, इन दोनों को सेलेक्ट कर कंट्रोल ए किया। अब करते हैं कंट्रोल एम, बस दिए 1 मिनट। कंट्रोल जी किया मैंने, इसकी मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। कंट्रोल जे, इन दोनों को सिलेक्ट कर कंट्रोल ई किया, ठीक है। कंट्रोल एम करते हैं, यहाँ से ग्राफ को इसमें ऊपर करता हूँ कि वाइटनेस इसमें आ रही है, ओके कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि पहले पिक्चर पहले ऐसी थी, ठीक है, फिर ऐसी होगी। पहले बल्कि ऐसी नहीं थी, वो वाली मैं लेके आता हूँ। पहले हमारे पास पिक्चर ऐसी थी, हमने काम किया और ये पिक्चर ऐसी होगी। फिर इसमें आता है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके हम इसको पाथ बताएंगे कि वहाँ से वो कलर पिक करे और दूसरी जहाँ पे हमने अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई करें। ये देखिए मैंने ये वाला इसे पाथ देता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, ये इस तरह बनेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये ऑल्ट किया, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वो वाला कलर इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया।
उसी का कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह जो मैंने उसे पाथ दिया। उसके बाद है पैच टूल, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं।